जगत की रक्षा करने के लिए शिवी महाराज की तरह होगा। और यशो विनतिना स्वानाम और विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह अपना यश तीनों लोक में फैलाएगा। दुष्यंति इति यज्व नाम और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह अपने जीवन में अनेकों प्रकार के यज्ञ कराएगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज की यह भविष्यवाणी हुई। और महाराज परीक्षित इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए। वैसे महाराज परीक्षित के जीवन की कथा बहुत विस्तार से भागवत में बताई गई है। महाराज परीक्षित के जीवन में अनेकों ऐसी घटना घटी जिससे अनेकों सिद्धांत प्राप्त होते हैं, लेकिन एक घटना महाराज परीक्षित जब वो मृगड़ा करने के लिए वन में गए और दोपहर का समय था, उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी। भूख और प्यास लगी, समीक ऋषि का आश्रम था, उस आश्रम में गए। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया, समीक ऋषि ध्यान में थे। महाराज परीक्षित ने यह निर्णय लेने के लिए कि ये वास्तव में ध्यान में है कि ध्यान का नाटक कर रहे हैं, एक मरा हुआ सर्प उस बाण से उठाकर उनके गले में रखा, देखा कि ये ध्यान में बैठे हैं, ध्यान मग्न है। परीक्षित अपने राज्य में वापस चले गए। अपने राज्य में वापस आकर महाराज परीक्षित के मन में अनेकों प्रकार के विचार होने लगे। महाराज परीक्षित मन ही मन में सोचते हैं कि मेरे द्वारा निश्चित कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने उस समीक ऋषि के गले में सर्प डाला, ये बात ठीक नहीं है। मैंने ये गलत कृत्य किया है और इस गलत कृत्य के फल स्वरूप मुझे दंड मिलना चाहिए। वैसे परीक्षित महाराज का कोई दोष नहीं था, कोई इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा पाप और अपराध नहीं था। अपने मन में बहुत अफसोस किया, मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि भक्तों हमारे द्वारा किया गया पाप और अपराध, उस पाप का उस अपराध का दंड तुरंत नहीं मिलता है तो मरने के बाद अनेकों गुना उस दंड को भुगतना पड़ता है। इसलिए यदि हम कोई गलती करते हैं और जब समझ में आती है तो तुरंत उस गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और प्रायश्चित करने में जितनी देरी करेंगे तो वह व्याज चक्रवृद्धि व्याज की तरह बढ़ते जाएगा। अतः महाराज परीक्षित सोचते हैं मुझे दंड मिलना चाहिए। यहां तक महाराज परीक्षित ने अफसोस किया, अद्येव राज्यम बलविद्वकोशम, मेरा जितना भी राज्य है, मेरा जितना कोश है, ये धन संपत्ति, ये सब कुछ चला जाना चाहिए। मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, धन है, ये राजपाट सब कुछ चला जाए, ताकि फिर से मेरे जीवन में मैं कभी भी किसी ब्राह्मण या किसी गाय का अपराध न करूं। महाराज परीक्षित इस प्रकार अफसोस कर ही रहे थे, तुरंत समीक ऋषि ने अपने एक शिष्य गौर मुनि को भेजा और कहा, जाओ ये खबर उनको दो। गौर मुनि ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, परंतु श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु है। यह सुनकर तुरंत महाराज परीक्षित ने निर्णय ले लिया कि यदि 7 दिन में मुझे मरना है तो मैं मेरे घर पर नहीं मरूंगा, इस घर को त्याग दूंगा। महाराज परीक्षित वैराग्य लेकर
अपने राज्य को छोड़कर, राज्य के वस्त्र को छोड़कर भागीरथी गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। महाराज परीक्षित, जब ये पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, उन्होंने गंगा का आश्रय लिया। आचार्यों ने प्रश्न उठाया, महाराज परीक्षित ने गंगा का आश्रय क्यों लिया? परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये गंगा भगवान के चरणों से निकली है, ये गंगा नदी भगवान के चरणों से निकली है, उस गंगा का आश्रय लूंगा तो एक ना एक दिन ये गंगा मुझे भगवान के चरणों में पहुंचाएगी। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में थे और एक ओर मथुरा मंडल जहां पर यमुना नदी बहती है और दूसरी ओर हरिद्वार जहां गंगा बहती है, दोनों का डिस्टेंस बराबर था। महाराज परीक्षित ने यमुना का आश्रय न लेकर गंगा का आश्रय क्यों लिया? वैसे शास्त्र में, पुराणों में अनेकों बार साक्षात भगवान के मुख से यमुना की महिमा बताई गई, क्योंकि यमुना नदी साक्षात भगवान कृष्ण की पटरानी है। गंगा भगवान के चरणों से निकलती है, लेकिन यमुना तो भगवान के हृदय में। तो महाराज परीक्षित ने यमुना नदी का आश्रय न लेकर गंगा का आश्रय क्यों लिया? श्रीपाद जीव गोस्वामी सूत जी के इस श्लोक का सहारा लेकर कहते हैं, महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये गंगा जो है भगवान कृष्ण के चरणों का धोवन है। जिस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापा, दूसरे कदम से पृथ्वी के ऊपर के लोग, जन लोक, मर लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक को नाप रहे थे, तब भगवान वामन के चरणों के अंगूठे से ब्रह्मांड का कवर फट गया और कारण समुद्र का दिव्य जल उस छिद्र से अंदर चूने लगा। भगवान के चरणों के अंगूठे से वह जल स्पर्श हुआ और उसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। ये गंगा भगवान कृष्ण के चरणों का धोवन है। अतः गंगा नदी जब बहती है तो उस गंगा में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगी हुई तुलसी भी बहती है, क्योंकि कृष्ण के चरणों का धोवन है इसलिए कृष्ण के चरणों में तुलसी है। तो गंगा में कृष्ण के चरण की तुलसी भी बहती है और साथ ही साथ गंगा में कृष्ण के चरण की रज भी बहती है। ये गंगा की महिमा। और इससे भी श्रेष्ठ बात यह है, श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण नंगे पांव ब्रज वृंदावन में विचरण करते हैं और वृंदावन अनेकों तुलसियों से भरा हुआ वन है। उस तुलसी के पौधे में यमुना का जल आकर चूता है। यमुना जल से मिश्रित मिट्टी वहां वृंदावन में है और भगवान के चरण वहां पर पड़ते हैं, तो कृष्ण के चरण में यमुना जल और वह मिट्टी और वह तुलसी, ये तीनों का मिश्रण लग जाता है। और वह चरण जब ब्रह्मांड को स्पर्श हुआ तो गंगा उस भगवान के चरणों से स्पर्श होकर चली। इसका अर्थ है कृष्ण के चरणों में लगी हुई तुलसी, कृष्ण के चरणों की रज और कृष्ण के चरणों में लगी हुई यमुना को लेकर गंगा बहती है। गंगा जो है यमुना नदी को लेकर बहती है, यमुना का वहन करने वाली है गंगा। जैसे हम लोग किसी कार में, किसी गाड़ी में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वैसे गंगा नदी जो है यमुना को अपने में बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। इसलिए गंगा नदी में यमुना नदी निहित है, साथ ही साथ भगवान के चरण की रज है और साथ ही साथ भगवान के चरण की तुलसी है। अतः ये सारी विशेषता को देखकर महाराज परीक्षित गंगा के तट पर चले गए। गंगा में स्नान करके संकल्प लिया, 7 दिन तक न भोजन करूंगा, न जल ग्रहण करूंगा,
मात्र भगवान कृष्ण की कथा सुनूंगा। जैसे ही परीक्षित ने संकल्प लिया, यह बात वायु वेग से नारद आदि ऋषि मुनियों के द्वारा तीनों लोक में फैल गई। तीनों लोक में रहने वाले समस्त ऋषि अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर तत्रोप जगमुम भुवनम पुनाना, इस भूमंडल को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि महाराज परीक्षित की सभा में आने लगे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमी भृगु अंगिरा नारद ऋषि मुनियों की जमात लग गई। लाखों लाखों ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हुए। महाराज परीक्षित शिरसा ववंदे, अपने मस्तक से दंडवट प्रणाम करके सबका स्वागत करने लगे, सुंदर आसन देने लगे। और जब सैकड़ों हजारों लाखों ऋषि मुनि वहां पर आए तो सबके बीच में खड़े होकर महाराज परीक्षित के जीवन के अंतिम उद्गार, महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, आज मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। क्योंकि परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये ऋषि मुनि कहीं ऐसा न समझे कि परीक्षित दुखी हैं तो हम कुछ मंत्र मार के कुछ ऐसा काम करके इस श्राप को रोक दे या तक्षक नाग को रोक दे और परीक्षित को बचा ले। परीक्षित ने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे तो 7 दिन में मरना है। इसका अर्थ यह है कि आप लोग मेरे बचने का उपाय मत कीजिए, यदि आपको कुछ करना ही है तो मुझे भागवत सुनाइए। किसने कहा, महाराज आपको 7 दिन का श्राप लगा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आज ऋषि मुनियों के सानिध्य में हूं, गंगा के तट पर हूं, साक्षात तक्षक नाग आए या साक्षात काल भी क्यों ना आ जाए, मुझे किसी का भय नहीं है। भगवान के जो भक्त होते हैं उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं मुझे मरने के बाद भगवान के धाम वैकुंठ में जाना है, भगवान के गोद में बैठना है, उसे मरने का भय नहीं। ऐलान किए, मुझे कोई भय नहीं है, बस आपके चरणों में यही निवेदन, आप गायत्र विष्णु गाथा, विष्णु की गाथा कृष्ण कथा सुनाइए। इतना सुनते ही उस सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सारे ऋषि मुनि गण महाराज परीक्षित को सुनाने के लिए नहीं, वे स्वयं भागवत कथा सुनने के लिए आए थे। सन्नाटा छा गया और परीक्षित की इच्छा है कि मुझे कोई शुद्ध भागवत सुनाए। शास्त्र का सिद्धांत है भक्तों, जब किसी साधक के, जब किसी जीव के मन में शुद्ध इच्छा होती है तब भगवान की उन पर कृपा होती है और भगवान की कृपा से उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति होती है, उन्हें सद्गुरु मिलते हैं। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। और हमें गुरु कैसे मिलेंगे, जैसी हमारी इच्छा होगी। यदि शुद्ध इच्छा है तो शुद्ध गुरु मिलेंगे, और इच्छा में भी यदि कोई दम नहीं, मिलावट वाली इच्छा, थोड़ा ध्यान भी करे, थोड़ा पाप भी करे, थोड़ा भोग भी भोगे, तो फिर ऐसे गुरु मिलते हैं। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, समय से डोनेशन पहुंचा दो, ऐसे गुरु मिल जाते हैं। परंतु जब हृदय में शुद्ध इच्छा होती है तो भगवान की कृपा से शुद्ध गुरु मिलते हैं। शुद्ध गुरु मिलते हैं। महाराज परीक्षित के हृदय में शुद्ध इच्छा थी, मुझे कोई शुद्ध भागवत सुनाए, अतः उस समय भगवान की कृपा से, देव योग से, यत इच्छया, सुसुज्य कहते हैं भगवत इच्छया, भगवान की इच्छा से उस सभा में परम विरक्त चूड़ामणि स्वतंत्र गति से विचरण करने वाले व्यास नंदन वैया सकी श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के युवक थे, दिगंबर अवस्था में थे, श्याम वर्ण का उनका शरीर था, करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज निकल रहा था। एक स्थान पर गोदोहन काल मात्रण, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते हैं, ऐसे सुखदेव जी जब वहां पर आए, साधु का समाज खड़ा हो गया, सुखदेव जी का स्वागत किया, उच्च आसन पर बिठाया
और महाराज परीक्षित अनेकों प्रकार की जिज्ञासा करने लगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत सुनाने लगे। भागवत सुनाते हुए अनेकों प्रकार की जिज्ञासा हुई, अनेकों प्रकार से अनेकों कथा महाराज परीक्षित ने सुनाई। सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को चिंता से मुक्त किया। महाराज परीक्षित, आप चिंता मत कीजिए, आपके जीवन में 7 दिन है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए 2 घड़ी भी काफी है। राजा खटवांग ने मात्र 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया। महाराज परीक्षित ने कहा, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं का अनुमोदन करते हैं। सर्ग किस प्रकार से भगवान के द्वारा सृष्टि हुई उनका वर्णन करते हैं, किस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हुई इनका वर्णन करते हुए विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद सुनाते हैं। मैत्रेय मुनि ने महात्मा विदुर जी को विसर्ग की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी के द्वारा मनु महाराज को प्रकट किया गया और मनु महाराज की 3 कन्या आकुति, प्रसूति और देवहूति, इन 3 कन्या की वंश परंपरा और किस प्रकार से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और उनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिलदेव प्रकट हुए, ये कथा भागवत के 3rd स्कंद में सुनाई। तत्पश्चात 4th स्कंद में प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया गया, जिसे 16 कन्या की प्राप्ति हुई और उनमें सबसे छोटी कन्या का नाम सती, जिनका विवाह शिवजी के साथ कराया गया। विस्तार से यह कथा मैत्रेय मुनि सुनाते हैं। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। किस प्रकार से ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, ये इतिहास मैत्रेय मुनि ने सुनाया। तत्पश्चात ध्रुव महाराज की वंश परंपरा में राजा अंग का जन्म हुआ, उनके पुत्र वेण का जन्म हुआ, उनके पुत्र के रूप में भगवान पृथु का अवतार हुआ। वेण के अत्याचार से पृथ्वी ने अन्न औषधि देना बंद कर दिया। भगवान पृथु ने उस गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी का दोहन किया, अन्न औषधि को पुनः प्रस्थापित किया। विस्तार से यह कथा श्रीमद्भागवत में सुनाई। तत्पश्चात श्रीमद्भागवत के 5वें स्कंद में मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाई। महाराज प्रियव्रत जिनके पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि और महाराज नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से भगवान श्री विष्णु का एक दिव्य अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ। ऋषभदेव भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा धर्म है जिसे जैन धर्म कहते हैं। जैन धर्म की संस्कृति में, उनके शास्त्रों में 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को मानते हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के अनुसार, और भागवत के अनुसार ऋषभदेव भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। भगवान ऋषभदेव ने मानव समाज को बहुत सुंदर उपदेश दिया और सबके लिए, जैन बंधुओं के लिए
यह हमारे सनातन धर्मियों के लिए भगवान ऋषभदेव का उपदेश सार्वभौम सारे मानव समुदाय के लिए। एक दिन ब्रह्मावर्त नामक देश में भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र एकत्रित हुए और अवसर पाकर अपने 100 पुत्र को माध्यम बनाकर मानव समाज को एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। उपदेश देते हुए भगवान ऋषभदेव कहते हैं, नायं देहो देह भाजान्रिलोके कष्टान कामान अर्हते वीडभुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्र काये न सत्वम् शुद्येत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को माध्यम बनाकर पूरे मानव समाज को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, अयम देह ये मनुष्य का देह हमें जो प्राप्त हुआ है ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। सर्वप्रथम उपदेश में सर्वप्रथम कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर मिलना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। भगवान रामचंद्र भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ मुनि संत रुगावा। ये मनुष्य जीवन मिलना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े बड़े देवताओं को देव दुर्लभ ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। देवता भी स्वर्ग में रहकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर यदि आप हम पर अनुग्रहित हो तो इतनी कृपा करो कि हमें मनुष्य का जन्म मिले। मनुष्य का जन्म क्या है? मनुष्य शरीर में, क्योंकि भक्तों शास्त्र में अनेकों जगह पर प्रहलाद महाराज ने कहा, दुर्लभम मानुषम जन्म। हमारे देश के संतों ने भी गाया, मोंगो मनुष्य देह नहीं मळे वारंवार। आ मनुष्य देह मोंगो छे, दुर्लभ छे, दुर्लभ। क्या है मनुष्य जीवन में? मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? भगवान रामचंद्र अवधवासी को उपदेश देते हुए कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। मनुष्य जीवन की दो विशेषता है भक्तों, एक साधन का धाम है, सुखी होने के लिए या आत्मा की उन्नति के लिए या भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए जो कार्य है, जो साधन है, वह मात्र मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। साधन धाम, ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है। भक्तों यदि कोई कुत्ता यहां पर आना चाहे तो आप लोग आने दोगे? चलो हम यदि कृपा भी कर दे और कुत्ता यहां पर आ भी जाए तो क्या हमारी तरह बैठ सकता है? चलो बैठ भी जाए तो क्या वो इस बात को समझ सकता है? और चलो समझ भी जाए तो क्या इस कार्य को कर सकता है? नहीं कर सकता। ये साधन, ये साधना मात्र मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। मनुष्य शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। इस भवसागर में 84 लाख की योनियों के चक्कर काटते काटते मनुष्य शरीर मिलना, इसका अर्थ है मुक्ति के द्वार तक हम पहुंच चुके हैं। मुक्ति के द्वार तक पहुंच चुके हैं, अब थोड़ी सी साधना करें, भक्ति करें और मुक्ति के द्वार से प्रवेश हो जाए। यह है मनुष्य जीवन की विशेषता। इसलिए देवताओं ने कहा, हमें मनुष्य बनाइए। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिला।
और भक्तों साथ ही साथ मनुष्य का जन्म, और वह भी भारत भूमि में, भारत देश में हमारा जन्म, कितने गर्व की बात है भक्तों। जिस देश में अनेकों पवित्र नदियां बहती हैं, जिस देश में अनेकों संत महात्माओं का जन्म हुआ, जिस देश में साक्षात भगवान के अनेकों अवतार हुए, जिस देश में गीता भागवत रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों का जन्म हुआ, ऐसे परम सुसंस्कृतिमयी पवित्र भारत देश में हमारा जन्म हुआ। तो भक्तों, मनुष्य जीवन मिलना ये सौभाग्य की बात है, और उसमें भी भारत भूमि में जन्म मिलना ये तो उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, तो जब इस प्रकार से इतना सुंदर भारत भूमि में मनुष्य जीवन मिला है, तो हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, ये मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है। कई बार लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि बस चार दिन की चांदनी ऐश कर लो यार, भोग भोगते मौज करे। भक्तों, तत्व से यदि विचार किया जाए तो इस मनुष्य जीवन में भोग कहाँ है, मौज कहाँ है, सुख कहाँ है? जिससे हम सबसे बड़ा भोग मानते हैं, जिससे हम सबसे बड़ा सुख मानते हैं, वही सबसे बड़ा दुख है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, ये मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला। आप विचार कीजिए, हम क्या भोग भोग सकते हैं? यदि कोई सोचे कि बस मनुष्य जीवन मिला है, खा पी कर ऐश करो, हम कितना खा सकते हैं विचार कीजिए, कितना खा सकते हैं? खाकर हम कितना सुख ले सकते हैं? मान लो हम कई दिनों से भूखे हैं और हमको जो चीज अच्छी लगती है वही चीज प्लेट में मिल जाए। मान लो आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है और भूख लगी और रसगुल्ला मिल जाए, एक खाओगे, दो खाओगे, 20 खाओगे, 40, 50, 60, 100, और अब जितना अधिक खाओगे उतना पेट में गड़बड़ होगी। क्या खा सकते हैं हम? अरे, खाने में हमको मात कर दिया इस संसार के पशुओं ने, सुअर ने। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर साहब कुछ गोली दीजिए, और सुअर लोग 2400 घंटा खाते हैं, लेकिन आज तक हॉस्पिटल में देखा, सुअर जो है 24 घंटा खाते हैं, भोग भोगते हैं, आज तक हॉस्पिटल में नहीं। क्योंकि भक्तों, मनुष्य योनि जो है ना, मनुष्य शरीर भोजन करने के लिए नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ भोजन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, भोजन करना चाहिए शरीर को चलाने के लिए। बस ये शरीर कैसे भी करके चल जाए, शरीर टिक जाए, इसलिए भोजन है। भोजन ऐश करने के लिए, भोजन के लिए ही जीवन नहीं है। जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ये हम मानते हैं, लेकिन आज के लोगों ने तो भोजन को ही जीवन बना लिया। बस खाना यही जीवन है। सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ, दिन में 10-10 बार खाओ खाओ खाओ, भोजन ही जीवन नहीं। हम क्या भोग भोगत सकते? भगवान ऋषभदेव ने कहा, अयम मनुष्य देह कष्टान कामान अरहते विट भुजामिये, पशुओं की तरह भोग भोगतने के लिए नहीं मिला। भक्तों, यदि हमें बस पशुओं की तरह ही भोग भोगतना है तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ है? भगवान ने हमें मनुष्य बनाया तो मनुष्य बनकर कुछ विशेष कार्य करें। प्रायः संसार के मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार भोजन करते हैं या सोते हैं या
विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, या भैया किसी ना किसी से डरते हैं, ये चार कार्य में लगे हुए हैं। भक्त ये कार्य तो पशु भी करते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। और हम यदि कहें कि हम भोग भोगत रहे हैं तो ये मात्र हमारी भ्रांति है। जिन्होंने भोग भोगा है उनको पूछ लीजिए, इतिहास में हमारे शास्त्रों में एक से एक राजा हुए जिनकी दीर्घ आयु हुआ करती थी, जिनके पास अनेकों भोग हुआ करते थे, उन्होंने अपना अनुभव दिया। महाराज पुरुरवा, महाराज याति, राजा भर्तुहरि, इन्होंने अपना इतिहास, अपना अनुभव बताया। भोगान भोगता वैमेव भोगता, उन्होंने कहा कि हम जिस समय राजा थे सोचते थे कि हम भोग को भोगत रहे हैं, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो हमने भोगों को नहीं भोगता, भोगों ने हमको भोगत लिया। आज का आदमी सोचता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं, लेकिन हम सिगरेट और शराब क्या पिएंगे, सिगरेट और शराब हमको पी रही है। हम क्या भोग को भोगतेंगे, भोग हमको भोगत रहे हैं। ये हमारी भ्रांति है कि हम भोग भोगत रहे हैं। भक्तों इस संसार में किसी भी प्रकार का भोग और भोग में किसी भी प्रकार का सुख नहीं। इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुरुरवा जिसका जन्म सतयुग में हुआ और त्रेता युग में भी वह जीवित थे, कितनी दीर्घ आयु थी महाराज पुरुरवा की, दीर्घ आयु थे महाराज याति, और पूरी दुनिया की संपत्ति उनके पास थी। दीर्घ आयु थी, दुनिया की संपत्ति उनके पास थी, और सारी अच्छी अच्छी स्त्रियां उनके पास थी, लेकिन उनका अनुभव भक्तों उन्होंने कहा कि चाहे कितनी हूं संपत्ति मिले, चाहे कितना हूं राज्य मिले, इस संसार में कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि भोगों में सुख नहीं है। और मनुष्य भोग भोगने के लिए बना ही नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने कहा हे मेरे पुत्रों, मानव समुदाय को उपदेश देते हैं, ये मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला। तब प्रश्न पूछा भगवान ऋषभदेव को, तो ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? तब वे कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेत्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम्। ये मनुष्य जीवन यदि भोग भोगने के लिए नहीं मिला तो किसके लिए मिला है? तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम, ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है। तपो दिव्यम, तब भगवान ऋषभदेव को पूछा गया किसकी तपस्या, तपस्या तो बहुत प्रकार की है, किसके लिए तपस्या करने ये मनुष्य जीवन मिला है? तो कहते हैं तपो दिव्यम, दिव्य माने भगवान विष्णु, विष्णु की तपस्या के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। विष्णु का अर्थ चाहे विष्णु कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, ये तीनों एक फॉर्म है, ये तीनों एक। तो भगवान कृष्ण, विष्णु या राम की तपस्या के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने पूछा कि विष्णु की तपस्या ही क्यों, क्या हम किसी पितरों के लिए, किसी देवी देवता या किसी फलाने बापू बाबा की तपस्या नहीं कर सकते? बोले नहीं, विष्णु की तपस्या करने से ही हृदय शुद्ध होगा। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, सत्वम च शुद्धति, विष्णु की तपस्या करोगे तो हृदय शुद्ध होगा, अन्यथा हृदय शुद्ध नहीं होगा। चाहे कितनी हूं तपस्या करो, कितनी हूं मेहनत करो, यदि हृदय को शुद्ध करना चाहते हो तो विष्णु की तपस्या। इतिहास गवाह है भक्तों, इतिहास में अनेकों लोगों ने दीर्घ दीर्घ तपस्या की परंतु उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु की तपस्या नहीं की।
हिरण्यकश्यपु ने 36,500 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ब्रह्मा जी की तपस्या, इतनी बड़ी तपस्या की फिर भी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। रावण ने कितनी बड़ी तपस्या, दसों मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिए, लेकिन फिर भी रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। और ध्रुव, जिनका हृदय शुद्ध नहीं था, उनके हृदय में कामना थी, इच्छा थी, परंतु भगवान विष्णु की तपस्या की तो 6 महीने में उनका हृदय शुद्ध हो गया। यहां तक भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। ध्रुव ने इतना ही कहा, प्रभु मैं घर से निकला था बहुत बड़े राज्य की खोज में, ईमानदारी से कहूं तो मेरे हृदय में कामना थी मुझे बहुत बड़ा राज्य मिले, लेकिन जब मैं आपकी भक्ति करने लगा, जब मैं आपका ध्यान करने लगा, आपका नाम लेने लगा, ये सारी कामना समाप्त तो हो गई। क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्ति वरम न यांचे। मैं तो जानता हूं कि आप तो सब कुछ देने में समर्थ हो, वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा, वरदान देने में आप तो वरम हो, आप तो कुछ भी दे सकते हो ईश्वर, हे प्रभु, परंतु मुझे आपसे कुछ नहीं, मुझे तो बस आपकी भक्ति, आपका प्रेम चाहिए। भगवान की भक्ति, विष्णु की भक्ति करके ध्रुव का हृदय शुद्ध हो गया। इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम, विष्णु की तपस्या करो, अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति करो, क्योंकि विष्णु की भक्ति करने से ही हृदय शुद्ध होगा, और हृदय को शुद्ध होने से क्या मिलेगा, भगवान ऋषभदेव कहते हैं शुद्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हृदय शुद्ध हो जाने से ब्रह्म सुख अर्थात जीवन का वास्तविक सुख मिलेगा, नित्य सुख, ऐसा सुख जो कभी समाप्त न हो। शुद्ध विशुद्ध नित्य सुख की प्राप्ति होती है जब हम हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, जब हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। यहां तक भगवान ऋषभदेव ने कहा एवं मनः कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्य आत्मनि उपदीय माने प्रीति न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। यावत मई वासुदेवे प्रीति न जायते तावत इदम देह न मुच्यते। कहा मुझ वासुदेव कृष्ण में जब तक प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक इस मनुष्य जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। अतः सार यही है कि मुझ कृष्ण की भक्ति करो, ऐसा भगवान ऋषभदेव ने कहा। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र ने प्रश्न पूछा, पिताजी आप यह बताइए ये भगवान की भक्ति मिलती कैसे है, इस संसार में पैसे चाहिए तो काम करो, मेहनत करो, पैसे मिलेंगे, अन्न चाहिए तो खेती करो, पानी चाहिए तो बोरिंग करो, सभी कार्यों के हैं, जो जो चीज चाहिए उसके वैसे कार्य होते हैं। तब उन्होंने प्रश्न पूछा ये भक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान ऋषभदेव ने कहा महत् सेवा द्वा आहूं विमुक्ते तमो द्वारम यो शिता संगी संगम महांतस्ते समचिता प्रशांता सुमन्यवसु रिद साधु। जब पूछा गया ये भक्ति कैसे मिलेगी, याद रहे भक्तों भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास ज्ञान है, धन है, सुंदरता है, यश है, वैराग्य है, ईश्वर के पास सब कुछ है, लेकिन ईश्वर की भक्ति जो है वो ईश्वर के पास नहीं, वो तो उनके भक्तों के पास है।
भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन उनकी भक्ति तो उनके भक्तों के पास है। भगवान से सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भक्ति चाहिए तो उनके भक्तों के पास जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं, भक्ति चाहिए महत सेवा द्वार आहूं विमुक्ते। यदि भक्ति चाहिए तो महात्माओं की, साधुओं की, भक्तों की सेवा करो। भक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा उपाय, भक्तों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, आपको तुरंत भक्ति मिल जाएगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, महत सेवा, महात्माओं की सेवा, ये मुक्ति का सीधा खुला हुआ द्वार है। महात्माओं की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। महात्माओं की सेवा, संतों की सेवा। इसलिए भक्तों, यदि भक्ति चाहिए तो महात्मा की सेवा कर। वहां दशस्य मेघ घाट पर रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, किसी भाग्यवान जीव को ही भक्ति मिलती है। वहां पर भाग्यशाली जीव का अर्थ क्या है? आचार्य गण कहते हैं, भाग्यशाली का अर्थ है महत कृपा प्राप्त जीव। अर्थात वही भाग्यशाली जीव हैं जिनको साधु संत महात्माओं की सेवा का अवसर मिलता है। अर्थात भगवान की भक्ति मात्र भगवान के भक्तों की सेवा करने से मिलती है। इसलिए भक्तों, जीवन में समय निकालकर साधु संतों की सेवा कीजिए। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्र बुद्धिमान थे, प्रभु ये बताइए संत किसको कहते हैं? क्योंकि आज डॉक्टर को पहचानना आसान है, पुलिस को पहचानना आसान है, वकील को पहचानना आसान है, लेकिन साधु बड़ा मुश्किल है। आज के दिन में साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज संसार के पाखंडी लोग साधु का वेश पहनकर भटक रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। आजकल के पाखंडी लोग साधु का वस्त्र धारण किए हैं लोगों की भावना को, लोगों की श्रद्धा को, लोगों की संपत्ति को लूटने के लिए। इसलिए आज सबसे बड़ा प्रश्न, सच्चा साधु कौन, सच्चा संत कौन? भगवान ऋषभदेव ने कहा, सच्चा साधु वही है जिनके अंदर साधुओं के गुण है। साधुओं की पहचान मात्र वस्त्र से नहीं होती है, मात्र ये धोती और कुर्ता पहनकर कोई साधु नहीं बन सकता। ये कितने, ये 250 और ये भी 250, 500 रुपये के मिलते हैं। 500 रुपये के धोती कुर्ता पहनकर कोई साधु नहीं बन जाता है। मात्र साधु का चोला पहनकर, मात्र साधु के वस्त्र पहनकर कोई साधु नहीं बन सकता। साधु बना जाता है गुणों से, जिनमें साधुओं के गुण हो वो है साधु। और साधुओं के गुण क्या है? तितिक्ष्वा कारुणिका सुहद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। साधु वो है जिनमें सहनशीलता हो, जो सहन करे, प्रकृति के बदलाव को सहन करे, दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मान को सहन करे, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहन करे, जो अपने जीवन में रात दिन सहन करे, वो है साधु। प्रथम गुण तितिक्ष्वा कारुणिका, साधु कौन है? जिनके अंदर करुणा है। पर दुख हानिच्छा, दूसरों के दुख को देखकर जिनके हृदय में दुख हो वो है साधु।
सुहद जो दूसरों के दुख को दूर करने की भावना रखे वो है साधु। आज तो दो आदमी झगड़ रहे हो तो तीसरा मजा लेता है, बात और एक मार मेरे नाम का दे उसे। दूसरों को दुखी देखने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जो सुहद है, भक्तों भागवत कह रहा हूं, भागवत में साधु की पहचान बताई गई, सुहद सभी जीवों के प्रति करुणा, सभी जीवों के प्रति सुहद अर्थात जीवों को सुखी करने की भावना। भक्तों यहां पर जीव हिंसा पशु हिंसा की कोई बात ही नहीं, जिनके हृदय में लेश मात्र भी जीव हिंसा या पशु हिंसा की भावना हो वह कभी साधु नहीं हो सकता। साधु तो वो है जिसके हृदय में करुणा सभी जीवों के प्रति बरस रही हो। साधु वो है जो सबके प्रति सम हो। साधु वो है जो कभी भी किसी को अपना दुश्मन न समझे, कभी भी किसी को अपना शत्रु न माने। साधु वो है जो शास्त्र को गीता भागवत रामायण जैसे ग्रंथों को अपने जीवन में आचरण करता है। साधु वो है जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है। गरुड़ जी ने काग भूषणी जी से पूछा कि हे भूषणी जी बताइए कह साधु, इस दुनिया में साधु किसे कहते हैं। तब काग भूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं पर उपकार वचन मन काया। पर उपकार जय हो वचन मन काया। गाइए गाइए, क्योंकि हमारे जीवन में तो कभी ऐसा होने वाला है नहीं, कम से कम गाकर तो। पर उपकार वचन मन काया। 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 संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज खगराया। हे खगराज, हे पक्षियों के देवता गरुड़, आप यही जानना चाहते हो ना संत किसे कहते हैं। सुनिए, जिनके जीवन में जो दूसरों के लिए उपकार करे, जिनका जीवन परोपकार के लिए हो, पर उपकार अपने मन से अपने वचन से अपनी काया से जो मात्र दूसरों के ऊपर उपकार करे उसे संत कहते हैं। जैसे नदी में बहुत जल होता है लेकिन नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, जैसे वृक्ष में बहुत फल लगते हैं लेकिन वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, जैसे गाय में बहुत दूध होता है लेकिन गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है। नदी का जल दूसरों के लिए होता है, वृक्षों के फल दूसरों के लिए होते हैं, गाय का दूध दूसरों के लिए होता है, वैसे ही जिनका जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है यह देश उसे संत की उपाधि देता है। पर उपकार मन काया। पर उपकार वचन मन काया। संत स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज खगराया। गुरु
गुरु महाराज एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहते थे। दोनों अंजलि बांधकर उस नदी का जल जैसे ही हाथों में लिया तो एक बिच्छू उस नदी में गिर गया था, डूब रहा था। उनके हाथों में वह बिच्छू आ गया। संत के मन में यह भावना हुई, बेचारा बिच्छू डूब रहा है, इसको किनारे पर छोड़ दो। वह संत उस बिच्छू को हाथ में लेकर किनारे पर छोड़ने गए, लेकिन आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। संत उस बिच्छू को लेकर जा रहे हैं और उस बिच्छू ने उस संत के हाथों में डंक मार दिया। संत का हाथ कांप गया और बिच्छू उन हाथों से गिर गया। लेकिन संत थे ना भक्तों, फिर से उन्होंने उस जल में हाथ डाला, उस बिच्छू को उठाया, उसे लेकर किनारे पर गए, फिर से बिच्छू ने डंक मारा। बार बार संत उस बिच्छू को उठा रहे हैं और बार बार वह बिच्छू उस संत को डंक मार रहा है। उस नदी के किनारे पर कोई आदमी खड़ा था, कहा महाराज आप उसे छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, उस बिच्छू को छोड़ दीजिए, उसका स्वभाव है वो डंक मारते ही रहेगा। उस समय इस देश के संत ने कहा था भक्तों, उस समय उस संत ने कहा कि सृष्टि का एक साधारण जीव, ये बिच्छू इस सृष्टि का साधारण जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं संत में मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं। इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इस बिच्छू को दुख से दूर करना। पर उपकार वचन मन काया, पर स्वभाव सहज खगराया, संत स्वभाव सहज खगराया। संतों का हृदय दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, इसलिए कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कवि पर कह ही न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान, ताजे माखन के समान, गाय के दूध का ताजा माखन जितना कोमल होता है। अब आज के बच्चे क्या जानेंगे गाय का दूध और गाय के दूध का ताजा माखन, ये अमूल बटर के सिवाय कुछ खाए ही नहीं है, है? माखन की कोमलता को क्या समझेंगे है? लेकिन भक्तों गाय के दूध का ताजा माखन जितना कोमल होता है उतना ही कोमल संतों का हृदय होता है, उतना कोमल होता है। कभी भी जीव हिंसा, किसी भी जीव को वे दुखी नहीं देख सकते, संतों का हृदय। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत आगे बढ़ गए भक्तों। वे कहते हैं कवियों ने संतों के हृदय की उपमा ताजे माखन के साथ दी, लेकिन संतों का हृदय माखन से भी अधिक कोमल होता है, क्योंकि माखन को जब आग लगती है तब पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय तो दूसरे दुखी जीव को देखकर पिघल जाता है। संत इस प्रकार संत वो है जो दूसरों के लिए जीता है, संत वो है जिसका जीवन दूसरों के लिए होता है, जो परोपकार करता है। ऐसे संतों की सेवा करने से भगवान की भक्ति मिलती है। भक्तों शास्त्र में अनेकों जगह पर लिखा है आप भगवान की भक्ति करो तो आपको भगवान मिलेंगे, भगवान की भक्ति करो भगवान मिलेंगे, हम मानते हैं, लेकिन कब मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं।
भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलेंगे 2 जन्म 20 जन्म 200 जन्म 2000 जन्म 2 लाख 2 करोड़ जन्म के बाद भगवान मिलेंगे, यहां क्वेश्चन मार्क है। भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलेंगे ये निश्चित, लेकिन कब मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन भगवान के भक्तों की भक्ति करो, इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। भक्त की भक्ति करने से भगवान तुरंत मिलते हैं, और इसका ज्वलंत प्रमाण रामायण की शबरी। शबरी जिनका जन्म शबर कुल में हुआ, एक निम्न परिवार में, एक निम्न कुल में, लेकिन शबरी के हृदय में करुणा आ गई। जिस दिन शबरी का विवाह था उनके घर पर अनेकों भेड़ बकरे को बांध कर रखा था। शबरी ने अपनी मां से कहा, मां ये इतने सारे भेड़ बकरे क्यों? कहा, बेटा कल तुम्हारा विवाह है और हमारी कुल परंपरा है कि बरातियों का स्वागत ये मांस खिलाकर किया जाता है। शबरी ने रात को सोचा कि मुझ एक जीव के लिए इतने सारे जीवों की हत्या। शबरी के हृदय में करुणा आ गई। शबरी ने सोचा, विवाह करूंगी तो इन पशुओं की हत्या होगी ना, मैं विवाह ही नहीं करूंगी। रातों रात शबरी अपने घर को त्याग कर घोर वन में चली गई। उस घोर वन में मातंग ऋषि का आश्रम। शबरी कैसे जाए, क्योंकि स्त्री का शरीर था। मातंग ऋषि रोज सुबह 4 बजे जगे, उनके पहले 2:30-3 बजे जगकर शबरी उस आश्रम में जाती और उस आश्रम को साफ कर करके सेवा करके वहां से वापस लौट जाती। मातंग ऋषि देखने लगे कि आखिर ये आश्रम को साफ कौन कर रहा है, इतनी सेवा कौन कर रहा है। एक दिन, 2 दिन 3 दिन मातंग ऋषि देखने लगे और उनकी परेशानी बढ़ने लगी। यदि हम होते तो खुश होते, हमारा घर कोई फ्री में साफ करके चला जाए है? लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है, यदि एक भक्त अपनी सेवा दूसरों को देता है तो सेवा करने वाला उनकी भक्ति उनकी तपस्या को लेकर चला जाता है। एक तो भक्ति है नहीं, एक तो सेवा पुण्य है नहीं, और दूसरों से सेवा कराते हैं तो जो है वो भी माइनस में चला जाएगा। साधक भक्त ये जानते हैं। एक दिन मातंग ऋषि ने पकड़ लिया, शबरी दोनों हाथ जोड़कर चरणों में गिर गई। उन्होंने ये सारी कथा बताई। मातंग ऋषि ने अपने आश्रम में एक छोटी सी कुटिया में उनका स्थान दे दिया। अब तो रोज शबरी सेवा करती, मातंग ऋषि के चरणों में बैठकर भगवत कथा सुनती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन मातंग ऋषि की मृत्यु होने लगी। उस मृत्यु के समय पर शबरी रोते हुए कहने लगी, गुरुदेव आप चले जाएंगे, अब मुझे भगवत कथा कौन सुनाएगा, मैं किसकी सेवा करूंगी। उस समय मातंग ऋषि ने बहुत सुंदर कहा, शबरी शबरी मुझे तो जाना पड़ रहा है, मुझे तो मरना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि तुमने महात्मा की सेवा की है, शबरी शबरी क्योंकि तुमने संतों की सेवा की है, इसलिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर साक्षात भगवान चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु का आशीर्वाद है, और शबरी को अपने गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास श्रद्धा, भगवान आएंगे ये सोचकर शबरी वन में जाती, फल फूल तोड़कर आती, मार्ग सजाती, और शबरी भगवान को आने की राह देखती, मेरे प्रभु आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक शबरी राह देखती, परंतु भगवान ना आते। दूसरे दिन शबरी उसी उत्साह से उसी चाव से वन में जाकर फूल लाती, फल लाती, मार्ग सजाती, लेकिन फिर भी भगवान ना आते। एक दिन, 2 दिन 3 दिन, भक्तों 60 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। शबरी के बदले हम लोग होते ना तो 10 ज्यादा से ज्यादा 20 दिन राह देखते, और 20 दिन में यदि भगवान ना आते ना तो कहते ये गुरु भी झूठे, भगवान भी झूठे, छोड़ो ये सबको, अपना काम धंधा करो। लेकिन धन्य है शबरी, भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर अतूट विश्वास। और उस समय
60 वर्ष बीत गए लेकिन शबरी का, अब तो शबरी बूढ़ी हो गई, ठीक से देख भी नहीं पाती, लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। उसी चाव से, उसी उत्साह से वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग को सजाती, और शबरी के हृदय में एक ही गूंज, एक ही आवाज, मन नो मोरलियो रट तारू ना मारी जो पड़िए आवो मारा रा वार आवी पूरो हैया तेरी हाँ मारी दुपड़ी आवो मारा एक बार आवी पूरो हैया तेरी हाँ मारी दुपड़ी आवो मारा सूरज यू आइए प्रेम से उगती रे आशा संध्या डले ने हूँ तो बनू रे निराशा संध्या रात दिवस हूँ तो जो खड़िए मने ओछू देखाय छे अरे आखड़िए मने ओछू देखाय छे दर्शन विना मारू मनडू मुंजाय छे दर्शन विना मारू मनडू मुंजाय छे नहीं रे आवो तो वाला जैसे मारा प्राणी जो पड़ी मारा
सुखकारी सीताराम स्वामी ने सारो सुखकारी सीताराम स्वामी ने सारो करना खु जीवन कुर्बान वाला जाशे मारी लाज नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारी लाज मारी जो पड़ी ये आवो मारा मन तो मरनी हो रे मारी जो पड़ी कार शबरी रात दिन भगवान को पुकार रही थी और एक दिन शबरी की श्रद्धा उनकी भक्ति को देखकर भगवान राम और लक्ष्मण उनको खोजते खोजते पंपा सरोवर के तट पर शबरी के आश्रम में पहुंच गए और भगवान ने शबरी को दर्शन दिया। इतिहास साक्षी है भक्तों, जिन जिन लोगों ने साधुओं की सेवा की है, संतों की सेवा की है, उन्हें शुद्ध भक्ति और भगवान की प्राप्ति हुई है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, हे मेरे प्रिय पुत्रों, आप महात्माओं की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करके भक्ति मिलेगी और भगवान कृष्ण की भक्ति करने से भगवत धाम प्राप्त होगा। अंत में भगवान ऋषभदेव ने कहा, मैं आपका पिता हूं और इस संसार में पिता का प्रथम कर्तव्य है अपने पुत्र को आत्म तत्व क्या, अपने पुत्र को यह शास्त्र का भक्ति का ज्ञान प्रदान करें, अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाए। वह पिता पिता नहीं, वह माँ माँ नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, वह देवता देवता नहीं, ये भगवान ऋषभदेव के उद्गार है। वह माँ माँ नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में न भेजे, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में न लगाए, वह गुरु गुरु नहीं, वह देवता देवता नहीं जो अपने आश्रित जनों को भगवान की भक्ति न कराए। अतः मैं आपका पिता हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दिया और इस भक्तिमय ज्ञान को प्राप्त करके भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र इस दुनिया के विख्यात, संसार के विख्यात राजा बने। हम भी यदि इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो हम भी संसार के सफल व्यक्ति बन जाएंगे। भगवान ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, नव योगेश्वर, ये सब सफल व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि इन उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। हमें भी यदि सफल बनना है, इन उपदेशों को सुनना चाहिए, समझे और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार पंचम स्कंद पे हम विराम करते हैं।